किसी भी कोई भी चीज है उस चीज को पहले मेंटेनेंस को इंफॉर्म करें। अगर आप सोसाइटी का सोसाइटी में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र की चित्रावन सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोसाइटी के फ्लैट में कुछ लोग कुरान का पाठ करने पहुंचे। सोसाइटी के गार्ड द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। साथ ही इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसे के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान के द्वारा ज्ञात हुआ कि सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था। अपनी बेटी के बीमार रहने के कारण महिला द्वारा ये पाठ कराया जा रहा था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों के द्वारा उसके घर आकर इस संबंध में आपत्ति प्रकट की गई कि बिना परमिशन के घर में इस तरह की कार्रवाई करना उचित नहीं है। जब ये लोग कुरान का पाठ कर जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनको रोक कर पूछताछ की गई। इनके द्वारा उनके साथ मारपीट भी की गई है। सोसाइटी के गार्ड ने पुलिस को लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान के आधार पर पाया गया कि सोसाइटी की एक महिला जिसकी बेटी बीमार थी, उसने कुछ लोगों को कुरान का पाठ करने के लिए अपने घर बुलाया था, लेकिन सोसाइटी के कुछ सदस्यों ने बिना अनुमति के इस तरह की गतिविधि पर आपत्ति जताई है। सर, मेरी बेटी बीमार चल रही थी तो मुझे किसी ने बोला कि आप कुछ करवाती नहीं हो, क्योंकि देखो मैं हिंदू जात जाति कुछ नहीं मानती, मैं मंदिर में भी जाकर पूजा कर लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने एक माय मास्टर जी रहते हैं उनसे बोल करके बच्चे बुलवाकर मैंने बुलाए थे 10-12 बच्चे, वो आ गए 17 बच्चे। अब कोई दरवाजे पर आता उसको लौटाया तो जाता नहीं है। कौन थे वो बच्चे? मदरसे के बच्चे थे जो पढ़ते हैं। क्या करने आए थे? कुरान शरीफ पढ़ने आए थे। तो किसने बुलाया था उन्हें यहाँ पर? मैंने बुलाया। अब क्या मामला है पूरा? अब सर मुझे तो पता नहीं क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने गेट पे झगड़ा किया है, मेरे यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था। वहीं जब कुरान का पाठ करने वाले लोग सोसाइटी से बाहर जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोक कर पूछताछ की। इसी दौरान विवाद बढ़ा और मारपीट की घटना घटित हो गई। पुलिस ने गार्ड की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त वेव सिटी पूनम मिश्रा ने बताया कि शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद के थाना कवि नगर क्षेत्र से एक स्कूल टीचर को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि उसी स्कूल में काम करने वाले HR ने टीचर का माइंड वॉश कर उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किसी भी कोई भी चीज है उस चीज को पहले मेंटेनेंस को इन्फॉर्म करें कि फलाना फलाना यहाँ पर प्रोग्राम होने जा रहा है या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम है, उसके बाद आप जो है कोई भी कार्यक्रम करें। अगर आप लिखित में नहीं दे सकते तो उसी को मेंटेनेंस को इन्फॉर्म तो करें ही करें। अगर आप सोसाइटी में सोसाइटी में 2 मिनट में।